रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर हाल ही में अपने भाई एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां अवधेश सिंह के खिलाफ 30 की संख्या में जिला पंचायत सदस्यों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास जाहिर किया है। यहां आपको बता दें कि जिस कुर्सी को बचाने के लिए अवधेश सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, आज वही कुर्सी एक बार फिर उस वक्त डगमगाने लगी जब 52 जिला पंचायत सदस्यों में से 30 सदस्यों ने जिला अधिकारी के सामने ज्ञापन देकर अविश्वास जाहिर किया है। आपको बता दें कि बीती 8 मार्च को कांग्रेस छोड़कर अपने भाई एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के साथ अवधेश बीजेपी में शामिल हुए थे। फिलहाल जिलाधिकारी ने आगे की कार्रवाई परीक्षण के लिए टाल दी है। तो अवधेश पर अविश्वास अवधेश ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्थितियां जो हैं हम कहें कि जिलाधिकारी ने अब आगे की कार्रवाई परीक्षण के लिए टाल दी है। विनीत द्विवेदी हमारे संवाददाता रायबरेली से इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ है। विनीत, अवधेश पर ये जो अविश्वास है 30 सदस्यों का और जिस तरह से एक मुश्किलें हम कह रहे हैं एक तरह से बढ़ती जा रही है, जिला पंचायत सदस्यों ने जिस तरह से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, आगे की कार्रवाई किस रूप में जिला अधिकारी करने जा रहे हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ बयान आया? जी बता दें, ये रायबरेली का जिला पंचायत का मामला है जहाँ पे कांग्रेस को छोड़ करके जिला पंचायत अध्यक्ष जो अवधेश सिंह है वो उनकी मुश्किलें आज बढ़ गई जब जिला पंचायत सदस्यों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर के अविश्वास जाहिर किया है। फिलहाल जिलाधिकारी ने कार्रवाई परीक्षण के लिए टाल दी है और सूत्रों से यही पता चल रहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है कि इसमें आगे के लिए मार्गदर्शन करें चुनाव आयोग। यहाँ पे कांग्रेस में जो भाजपा से शामिल हुए दिनेश सिंह उन्होंने भी जहाँ की सांसद सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी पर भी आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जो भाजपा को ज्वाइन किया है दिनेश सिंह ने उसकी वजह से इनको चुनाव से निरस्त किया जा रहा है। जिनके भाई जो जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है लेकिन ये सफल नहीं होगा। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से 8 मार्च को ये सभी 30 जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के खिलाफ अविश्वास जाहिर किया है। चलिए शुक्रिया विनीत आपका इस जानकारी के लिए। रायबरेली कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही क्योंकि 30 जिला पंचायत सदस्यों ने एक ज्ञापन सौंपा है, अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आया और जिलाधिकारी को उसको लेकर एक ज्ञापन सौंप दिया गया है।